दोस्तों, काफी लंबे समय से खामोशी के बाद आखिरकार भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO फिर से जाग उठाए और एक नहीं दो नहीं बल्कि एक साथ तीन बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है। वहीं इसके अलावा इसरो ने भी एक बड़ा कारनामा करके दिखाया है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर ले ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट न्यूज से आप अपडेट हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, DRDO ने एक ही नहीं तीन नोटम जारी कर दिया है। नोटम यानी एरिया वार्निंग, जो कि खाड़ी में होने वाली परीक्षण के लिए है। इसके तहत भारत अपनी तीन बेहद शक्तिशाली और असरदार मिसाइलें का परीक्षण करने वाला है। ये परीक्षण बेहद ही ज्यादा अहम होंगे क्योंकि मौजूदा वैश्विक हालातों हर देश को भी सैन्य क्षमता की और ज्यादा बढ़ाने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में भारत के द्वारा किए जाने वाले तीन मिसाइल परीक्षण पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। दरअसल दोस्तों, भारत ने ये जो तीन नोटम जारी किए हैं उनमें से पहला परीक्षण 14 अक्टूबर को किया जाएगा, जबकि दूसरा परीक्षण 19 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच होंगे। वहीं पे तीसरा परीक्षण 20 से लेकर 30 अक्टूबर तक होने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले परीक्षण के तहत नोटम की रेंज 740 किलोमीटर की रखी गई है। वहीं पर दूसरे नोटम के तहत जिस मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा उसके लिए 300 किलोमीटर की एरिया वार्निंग जारी की गई है। लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा रोचक तीसरा परीक्षण होने वाला है, जिसके लिए 1682 किलोमीटर की एरिया वार्निंग जारी की गई है, जो कि इन सभी परीक्षणों में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके तहत जिस मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा उसकी मारक क्षमता भी सबसे ज्यादा है। 14 अक्टूबर से शुरू होने वाली ये परीक्षण 23 अक्टूबर तक चलेंगे और इनके तहत जिन मिसाइलों की परीक्षण होना है उन्हें लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले परीक्षण में किसी ऐसी मिसाइल की परीक्षण किया जाएगा जिसे पिछले कई समय से किया जाना था लेकिन कई कारणों की वजह से इनका टेस्ट अभी तक संभव नहीं हो पाया था, जबकि दूसरा परीक्षण के तहत भारत MRSM का परीक्षण कर सकता है। वहीं पर जो तीसरा परीक्षण होने वाला है उसकी मारक क्षमता और एरिया वार्निंग को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये परीक्षण अग्नि प्राइम का हो सकता है। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पिछले साल दिवाली के कुछ दिन पहले ही भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था और दिवाली का धमाका किया। वहीं पर इस साल भी दिवाली से कुछ दिन पहले ही भारत अग्नि प्राइम का परीक्षण करने वाला है, जो कि दिवाली के मौके को और वैश्विक हालातों को ध्यान में रखते हुए काफी महत्वपूर्ण रखता है। वहीं पर इसके अलावा भारत अगले 3 सालों में सबसे विध्वंसक और सबसे ज्यादा मारक क्षमता रखने वाले अग्नि 6 मिसाइल का भी परीक्षण करने वाला है। इसलिए इस बार होने वाला अग्नि प्राइम का परीक्षण भी काफी महत्व रखता है क्योंकि इस बात की संभावना काफी अच्छी खासी है कि 20 से 23 अक्टूबर के बीच होने वाली अग्नि प्राइम के परीक्षण में भारत आधिकारिक तौर पर MIRU तकनीक का इस्तेमाल करेगा और अगर ऐसा होता है तो वैश्विक स्तर पर बेहद बड़ी खबर बनेगी। इस बात से कोई भी मना नहीं कर सकता कि भारत के पास MIRU है, लेकिन अभी तक भारत ने आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया है। लेकिन भारत को अगले 3 सालों में अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण करना है तो अभी अग्नि प्राइम मिसाइल के तहत अपनी MIRU क्षमता को वैश्विक स्तर पर आधिकारिक रूप से साबित करना होगा, जिसकी वजह से अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। MIRU एक ऐसी तकनीक होती है जिसके तहत एक ही मिसाइल मल्टीपल वार हेड ले जाने में सक्षम होती है, जिसका इस्तेमाल करके ये मिसाइल एक की बजाय कई सारे टारगेट पर हमला कर सकती है, जो कि एक मिसाइल की क्षमता को कई ज्यादा गुना बढ़ा देती है। ऐसे में इतनी खतरनाक तकनीक को अग्नि 6 या फिर अग्नि प्राइम जैसे न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलों के साथ जोड़ दिया जाए तो एक बेहद ही खतरनाक हथियार बन जाएगा। इसलिए दिवाली से पहले होने वाले तीनों परीक्षण काफी महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है ये तीनों मिसाइलें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो हम आपके तरफ वीडियो लेकर जरूर आएंगे। अगर दोस्तों आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी ऐसी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।